तो देखो आज सुबह से कुछ ब्लॉग शूट कर नहीं पाए क्योंकि क्या है कि मेमोरी कार्ड रह गया था मेरी मैडम के फ़ोन के अंदर, और फिर सुबह से कुछ शूट नहीं किया है। और अभी लगभग 4 से 5 शायद बज गए, 5 बज गए, तो अभी कुछ स्टार्ट किया है। और ये मेरे पीछे एक मेहनती बच्चा खड़ा ही है ये वही है जिसने ना नाक कटाई थी सूर्पनखा के मंजे से। अब बाए की खींच में कि नाक बच्चर दी, काट दी, छोरी बेइज्जती करा लियो। और इस लड़के की पतंग की दुकान है, पतंग ले लो आप इससे जाके। हाँ ये खाना बुक्कड़ खाना चेक करते हुए, हाँ और जांच कर ले पूरी। नहीं फूड इंस्पेक्टर है तू ये क्या है? ये वो पत्ता गोभी और नारियल, और ये क्या है? ये भी कुछ नारियल वाली डिश है, नारियल की दाल टाइप की डिश है। थोड़ा सा भूख लग रही है। हाँ तो चावल खा ले, तेरे को बढ़िया चीज़ बना के खिलाऊंगे फिर। राजा ये खा, ये बनाता हूँ, ये खा, एक नंबर क्या ये डोसा डोसा डोसा। बनाओ तो बनाओ, हाँ आ जाओ। थोड़ा चावल तो खा ले रहे। नहीं हो गया स्टार्ट, हो गया हो गया। तो दोस्तों देखो इस बुक्कड़ के लिए बनेगा डोसा, नसीब वाला है। देखो मैं डोसा बना के खिला रहा हूँ इसको, ये तो टाइम पे आता भी नहीं। तो पहले चढ़ाएंगे हम ये तवा, डोसा तवा है ये, पतला वाला, ये मोटा तवा नहीं है, उसका आप इस्तेमाल भी मत करना, उससे कुछ नहीं बना पाओगे। और इसके बाद इसमें लगाएंगे तेल, और ये रहा डोसे का घोल जो बना हुआ है। डोसे का घोले नहीं है, डोसे का ही घोले, तेरे को तो कुछ पता भी नहीं रहता, तू काहे की मलियाली है। अरे कड़ी भी है डोसे का घोले, वो अप्पम नहीं है, अप्पम का घोला लगे दिख जाता है शाम बिहारी। अभी डोसे का घोल है, इसको एक चम्मच इसमें लेंगे बड़े स्पून में, यहाँ से इसको उठा के सीधा तवे पे। और गैस को कर देंगे स्लो, क्योंकि जो आप शादी में डोसा खाते हैं उनके पास बड़ा तवा होता है, वो बार बार उसको गीले कपड़े से पोंछते हैं क्योंकि वो ठंडा करना जरूरी है, इसलिए इसको स्लो आंच पे पकाओगे। और वैसे ही नेचुरल डोसा है, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मतलब कि क्या बोलते हैं सोडा वोडा नहीं डाला जाता इसके अंदर। चावल के साथ पीस के इसके अंदर जो खमीर उठती है वो नेचुरल होती है, तो वो खमीर होती है, तो उससे ये बहुत फ्लफी बनता है। तो देखो दोस्तों ये बन के रेडी हो चुका है, और गांव बसाने लुटेरे हाजिर हो गए हैं प्लेट लेके। ये देखो देखो इनको कितना ही डोसा खिलाओ फिर भी टाइम पे नहीं आते हैं, इनको राजा पार्क की लड़कियों से बहुत प्रीत है इनको वहीं हम बंद करके आएंगे उन्हीं की क्लास में, नाम नहीं लिया जाएगा नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा और ये सांभर के साथ देखो, देख रहे हो, मतलब खाना देखो आप सब कुछ भर चुका है, चावल, कढ़ी, सांभर, और ये गोभी की सब्जी, और साथ में ये क्या डोसा। और स्टेटस पहले लगाना ज़रूरी है, इंस्टाग्राम वालों को भी तो खिलाना ज़रूरी है ना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ख़राब आदत है। तब तक तो दोस्तों खाना ही ठंडा हो जाता है, ये क्या है इंस्टाग्राम पे यू नो। अब करेंगे हम नानों को थोड़ा सा परेशान, क्योंकि ये इससे छीनेंगे हमारा फ़ोन, मेरा फ़ोन। नानू फ़ोन दे दे मेरा, नानू फ़ोन, गिव मी माय फ़ोन, फ़ोन दे दे मेरा। नहीं मिलेगा फ़ोन, नो खाई, नहीं फ़ोन नहीं मिलेगा आपको, ना फ़ोन नहीं मिलेगा आपको। क्या हुआ, क्या चाहिए, क्या चाहिए नानू? नहीं मिलेगा फ़ोन, नहीं इतना फ़ोन नहीं देखते। बाय बाय टाटा, नहीं मिलेगा फोन आपको। और ये नानू को फोन करने पे कितना मजा आता है, देखो आप रिएक्शन नानू का। वो तो रिलेटिव भी चाय पूछ के गए, पर है ना उनके ये नानू पी रहा था। ओके बाय बाय, कट जाए। और ये बहुत मेहनत करते हैं, देखो धर्मपत्नी जी परेशान मत कर को। किसी ने कहा सबसे ज्यादा नशा किस में होता है, सबसे ज्यादा भक्ति, सबसे ज्यादा लगन किस में है? बोले इंसान को 2 दिन भूखा छोड़ दो फिर उसका सारा प्यार मोहब्बत इश्क लगन सब दिख मिट जाएगी, सब दिखेगी। गुड नाइट, फर्स्ट से गुड नाइट, पहले देखो उसे गुड नाइट, हाँ से गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, नहीं गुड नाइट, गुड नाइट, बोलो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सी यू, सी यू।
लेट्स गो। तो दोस्तों ये आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है क्योंकि आज मेमोरी कार्ड घर पे रह गया था, मेमोरी कार्ड मेरी मैडम के फ़ोन में रह गया था, तो उस वजह से आज का व्लॉग रिकॉर्ड नहीं हो पाया ज़्यादा कुछ। तो अब मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।